और अब खबर राजधानी जयपुर के रेनवाल से है, जहां पर डिप्टी कमिश्नर नगर निगम की कार में सवार युवकों ने मचाया उत्पात। शराब ठेकेदार पर धौंस जमाते हुए मांगी शराब की बोतलें। शक होने पर सेल्समैन ने दी पुलिस को सूचना। सूचना पर हेड कांस्टेबल रामनिवास चौधरी मौके पर पहुंचे हैं। डिप्टी नगर निगम की कार में सवार तीन युवकों को पुलिस ने पकड़ लिया है। पुलिस ने तीनों युवकों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। रेनवाल थाना इलाके के पचार रोड स्थित शराब ठेके का ये मामला बताया जा रहा है। जयपुर के रेनवाल से एक खबर है, जहां पर शराब ठेकेदारों पर धौंस जमाने का आरोप है। तीन युवकों को हालांकि पुलिस ने पकड़ लिया है। डिप्टी कमिश्नर कार पर लिखा तो फिर उसके बाद हड़कंप और ज्यादा मच गया, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर नगर निगम इस कार पर लिखा हुआ था। रेनवाल थाना इलाके के पचार रोड स्थित शराब ठेके का ये मामला है और डिप्टी कमिश्नर लिखी हुई इस गाड़ी में तीन युवक सवार होकर आए और इन्होंने जमकर उत्पात मचाया। डिप्टी कमिश्नर नगर निगम की कार में सवार युवकों ने मचाया उत्पात और युवकों की गिरफ्तारी कर ली गई है। शराब ठेकेदार पर धौंस जमाते हुए शराब की बोतलें ये युवक मांगते नजर आए। जब सेल्समैन को शक हुआ कि ये लोग फेक हैं, उसके बाद सेल्समैन ने पुलिस को सूचना दी और सूचना पर हेड कांस्टेबल रामनिवास चौधरी मौके पर पहुंचे। डिप्टी कमिश्नर नगर निगम इस कार पर लिखा हुआ था और इसमें सवार तीन युवकों को पुलिस ने दबोच लिया है। ये तीनों युवक एक शराब के ठेके पर जाकर धौंस जमा रहे थे, शराब की बोतलें मांग रहे थे। जब शराब ठेकेदार को शक हुआ तो उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया।